दोस्तों ज्यादातर लोग रनिंग को बहुत ही साधारण सा वर्कआउट समझते हैं और वो सोचते हैं कि रनिंग करने से हमारे शरीर पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है और इसीलिए आज का ये वीडियो बन रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग करने से, मतलब केवल रनिंग करने से, आप लोग अपने शरीर में क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं। केवल 30 दिन अगर आप लोग जो तरीका आज मैं बताने वाला हूँ उस तरीके से रनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा होगा। साथ में और क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके बॉडी में, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रनिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। रनिंग एक तरह का कार्डियो वर्कआउट है। इसी में कार्डियो वर्कआउट में हमारा स्प्रिंटिंग आता है, हमारा स्पॉट रनिंग आता है, जॉगिंग आता है, उसके साथ में नॉर्मल जो रनिंग करते हैं वो भी आता है, और वॉकिंग भी एक तरीके की कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें, कौन सा वर्कआउट आपको करना चाहिए, किस तरीके का कार्डियो आप लोग करोगे, स्प्रिंटिंग करनी है, स्पॉट रनिंग करनी है, क्या करना है जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ हो, साथ में आपकी बॉडी पूरी तरीके से हेल्दी हो जाए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंटिंग की। अब देखो, अगर आप लोग के बॉडी में फैट है तो आप लोगों के लिए स्प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी हो सकती है। बहुत ज्यादा मोटे लोगों के लिए स्प्रिंटिंग नहीं होती है। जो नॉर्मल मोटे हैं, मतलब जिनका हल्का फुल्का पेट निकला हुआ है या बॉडी में थोड़ा फैट है, तो उनके लिए स्प्रिंटिंग बहुत अच्छा है। कैसे करना होता है स्प्रिंटिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्प्रिंटिंग में हमें क्या करना होता है, हमें तेजी से दौड़ना होता है, केवल 10 सेकंड के लिए, काफी तेजी से, जितनी तेजी से आप दौड़ सके। 10 सेकंड के लिए हमने दौड़ा काफी तेजी से, उसके बाद में हम 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर 10 सेकंड तेजी से दौड़ते हैं। मतलब आपको ये कोशिश करनी है कि आप लोग 10 सेकंड में कम से कम 50 मीटर तो दौड़ ही लो। इससे ज्यादा आपको शुरुआत नहीं करनी है, शुरुआत ऐसे करनी है, उसके बाद आपको 10 सेकंड बढ़ा के 20 सेकंड कर देना है। ऐसे करते करते आपको बढ़ाना है, और जो आप लोग शुरुआत करोगे तो आप लोग को शुरुआत में ही 5 बार स्प्रिंटिंग करनी है तो ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं स्पॉट रनिंग की। अब देखो, स्पॉट रनिंग क्या होता है, स्पॉट रनिंग हम लोग करते हैं एक ही जगह पे रुक के, जब हम लोग रनिंग करते हैं तो इसे बोलते हैं स्पॉट रनिंग। जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं या जिसके घर के आसपास में पार्क मैदान नहीं है तो वो लोग अपने घर में स्पॉट रनिंग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से अपनी जगह पे रुक के स्पॉट रनिंग को किया जाता है, जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ तो होती है, साथ में आपकी लेग का वर्कआउट हो रहा है। तो लेग का वर्कआउट होता है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, जो हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो लोग वजन अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए हमें रनिंग नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, वजन अगर आप लोग बढ़ाना चाह रहे हो तो आप लोग को ज्यादा देर तक रनिंग नहीं करनी चाहिए। आप लोग अगर केवल रोज 10 मिनट ही रनिंग करते हो तो आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा, जो आपके वेट गेन के लिए, वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। और जो लोग मोटे हैं तो वो लोग 30 मिनट तक मैक्सिमम रनिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से आप लोग का फैट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट कार्डियो पे आते हैं, जो कि है जॉगिंग। अब देखिए, फैट लॉस के लिए जॉगिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। आप लोग अगर धीरे धीरे हल्की हल्की जॉगिंग करते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारा फैट कटता है, और अगर हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो इससे हमारा फैट नहीं कटता है, इससे ज्यादा हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा है वो कार्बोहाइड्रेट निकलता है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे रनिंग करते हैं और 30 मिनट तक रनिंग करते हैं तो इससे हमारा फैट लॉस काफी तेजी से होता है। उसके बाद में हम अपनी अगली कार्डियो वैस्कुलर एक्टिविटी पे आते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल रनिंग। अब देखिए, नॉर्मल रनिंग से मेरा ये मतलब है कि जो हम लोग नॉर्मल स्पीड में रनिंग करते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल रनिंग। मतलब इसमें ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ना होता है और हमें धीमे भी नहीं दौड़ना होता है। तो नॉर्मल रनिंग आप लोग सुबह कर सकते हैं। अगर सुबह की हल्की धूप में आप लोग 30 मिनट रनिंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। आपके बॉडी में विटामिन डी दोनों ही आपको बेहतरीन भरपूर तरीके से मिलेगा, जो आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाएगा। साथ में मैं एक बात बता दूं, अगर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम रहती है, मतलब अगर आप लोग को रात में नींद नहीं आती है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। उसी के साथ में लास्ट में हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, जो कि वॉकिंग है। अब देखिए, हम सभी लोग दिन भर में बहुत वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर आप लोग वॉकिंग नहीं करते हो तो आज से ही आप लोग ये कोशिश करो कि सुबह सुबह उठ के अगर आप लोग 30 मिनट लगातार वॉकिंग करते हो तो ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को बहुत अच्छा कर देता है। साथ में आपकी जो हड्डियां हैं उन्हें मजबूत बनाने में ये बहुत ज्यादा कारगर है। आपका जो हार्ट डिसीज है उसको दूर करने में, साथ में कैंसर को खत्म करने
में भी हमारा रनिंग बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट करता है। ये सारी चीजें अगर आप लोग करोगे तो आप लोग ये महसूस करोगे कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहने लगी है, साथ में आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा जो आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।